नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ये खूबसूरत सा केबल डिजाइन लाई हूँ। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। इसे आप लेडीज कार्डिगन में, जैकेट में, कुर्ती में, बच्चों के स्वेटर में, जेंट्स हाफ स्वेटर में, फुल स्वेटर में, चाहे किसी भी मनचाहे प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। ये सब में बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए, ये खूबसूरत सा डिजाइन आपके हर प्रोजेक्ट की खूबसूरती को बढ़ा देगा। ये डिजाइन सामने की तरफ से पड़ रहा है, तो यदि आपको फंदे बढ़ाना हो तो आप रॉन्ग साइड से फंदे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसे हम स्वेटर में सेट कैसे करेंगे। बॉर्डर में 100 फंदे डाले हैं और इसे वी नेक बनाऊंगी, इसलिए मैंने 11 फंदे बढ़ा दिए, तो अब हो गए हैं 111 फंदे। और डिज़ाइन 24 के मल्टीपल फंदों में और 3 फंदे एक्स्ट्रा में बन रहा है, तो हमने इस हाफ डिज़ाइन को यानी 12 फंदे को इस साइड में लगा दिया। तो ये हो गए 24 24 24 24 12, और लास्ट में 3 फंदे यानी 96 प्लस 12 प्लस 3 तो हो गया 111। यदि हमें 100 फंदों में ये डिजाइन बनाना हो तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो हम इसको 4 टाइम लेंगे, 24 24 24 24 और लास्ट में 3 फंदे, 24 के मल्टीपल फंदे और 3 फंदा एक्स्ट्रा, तो ये हो गए 94 और 3 फंदे यानी 99। और एक फंदा हम शुरुआत में एज स्टिच के लिए ले लेंगे तो हो जाएगा 100 फंदे। अब यदि हमें कार्डिगन में डालना हो तो इसे हम 2 टाइम लेंगे, 24 24 और 3 फंदे इधर, तो ये हो गए 51 फंदे। और उसके बाद हम अपना बॉर्डर के फंदे ले लेंगे तो ये डिज़ाइन अच्छी तरह सेट हो जाएगा। तो आपको अब डिज़ाइन कैसे सेट करेंगे समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए, अब हम देखते हैं कि ये डिज़ाइन कैसे बनेगा। तो हमने सिलाई में 27 फंदे डाला है, 24 और 3 फंदे साइड के, 27 फंदे डाला है। यदि आपको फंदे बढ़ाने हो तो आप रॉन्ग साइड से फंदे बढ़ा सकते हैं। तो ये डिज़ाइन का पहला लाइन है और सामने से, तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे या उल्टा बुन लेंगे। पहला फंदा हम उल्टा बुनेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे और दूसरे फंदे को हमें एक लाइन नीचे, जो सिलाई में फंदा लगा हुआ है इसमें न बुन के एक लाइन नीचे बुनना है। देखिए, ये जो छेद है इसमें हम सिलाई डालेंगे और सीधा बुन लेंगे, इससे ये फंदा खुल जाएगा और फंदे में उभार आ जाएगा। ये जो उभार आया है ऐसा, ये डिज़ाइन उभर जाएगा। अगला फंदा उल्टा, तो 3 फंदा बुनने के बाद उन दूसरी ओर करेंगे। अब तो हम 6 फंदे गिरा देंगे, पीछे के 3 फंदों को दाहिनी सिलाई में और सामने के 3 फंदों को ऐसे सामने की तरफ से बाएं सिलाई में ले लेंगे। पीछे के 3 फंदों को वापस बाएं सिलाई में ऐसे चढ़ा देंगे। अब देखिए, ये 6 फंदे हमारे ट्विस्ट हो गए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा जो है, शुरू के 3 फंदे ऐसे ऊपर की तरफ से ऐसे गए हैं। अब इन 6 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो ये देखिए ट्विस्ट किए 6 फंदे हमने बुन लिए। अब 3 फंदा और हम सीधा बुन लेंगे, तो ये हमारे 9 फंदे हो गए। दो डिज़ाइन के बीच में हमने 3 फंदे का ये गैप रखा है, तो 3 फंदा हम बुनेंगे, पहला उल्टा, दूसरा सीधा बुनेंगे, लेकिन सिलाई वाले फंदे में ना डाल के एक लाइन नीचे से, यानी ये जो छेद दिखाई दे रहा है इसमें से हमें सिलाई डालना है और सीधा बुन लेना है, ये 2 और 3, तो ये हो गया 3 फंदे का गैप। अब 9 फंदे जो हैं हम अगले हमें इसी तरह बुनना है, यानी
अगले 9 फंदे हमें एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनना है। सीधे वाले फंदे को हम एक लाइन नीचे से ऐसे बुनेंगे, एक, दूसरा फंदा उल्टा इसे हम नॉर्मली बुनेंगे, तीसरा फंदा सीधा है उसे एक लाइन नीचे से तब जाके सीधा बुनेंगे, फिर चार, पांचवा फंदा एक लाइन नीचे से सीधा, छठा फंदा उल्टा, सातवां फंदा एक लाइन नीचे से सीधा और आठवां फंदा उल्टा और नौवां फंदा एक लाइन नीचे से सीधा। तो इन्हीं 24 फंदों को हमें पूरे स्वेटर में दोहराना है, यानी एक फंदा उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर 9 फंदे का केबल, फिर 3 फंदे का गैप, फिर 9 फंदे का पैटर्न, हो गए 24 फंदे। तो इन 24 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है और लास्ट में 3 फंदे बचेंगे, तो इन्हें हमें उल्टा, फिर सीधे वाले फंदे को एक लाइन नीचे से सीधा और लास्ट फंदे को उल्टा बुन लेना है। तो इस तरह हमारा पहला लाइन कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा दूसरा लाइन है और रॉन्ग साइड से। तो पहला फंदा हमारा सीधा है, इसे हम स्लिप कर लेंगे, ऊन को अपनी ओर लाएंगे। अगला फंदा उल्टा है, इसे उल्टा बुनेंगे। नेक्स्ट फंदा सीधा है, तो सीधा वाला फंदा जैसे हमने सामने की तरफ से बुना था, यानी कि एक लाइन नीचे से सीधा, तो ऐसे ही सीधे वाले फंदे को रॉन्ग साइड से भी हम एक लाइन नीचे से ही लेकर तब सीधा बुनेंगे। उल्टे वाले फंदे को उल्टा बुन लेंगे और सीधे वाले फंदे को सिलाई में लगे हुए फंदे में न डालकर एक लाइन नीचे, जो ये छेद दिखाई दे रहा है, इसमें सिलाई डालेंगे और तब सीधा बुन लेंगे। तो उल्टी तरफ से हमें ऐसे ही बुनना है, सीधे वाले फंदे को एक लाइन नीचे से सीधा और उल्टे फंदे को एज इट इज उल्टे फंदे को उल्टा बुन लेना है। तो ये हमारा दूसरा लाइन कंप्लीट हो गया है। लास्ट फंदा है सीधा, लेकिन इसे हम नॉर्मली सीधा बुन लेंगे, इसे हम एक लाइन नीचे से सीधा ना बुन के नॉर्मली सीधा बुनेंगे। तो ये हमारा दूसरा लाइन कंप्लीट होता है। अब ये डिज़ाइन का तीसरा लाइन है और सामने से। तो पहला फंदा उल्टा है, इसे हम स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे। अगला फंदा देखिए सीधा है, तो इसे हम एक लाइन नीचे से तब सीधा बुनेंगे। अगला फंदा उल्टा है, इसे उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए ये हमारा 9 फंदे का केबल आ गया। तो पहली लाइन में हमने शुरू के 6 फंदे को आपस में ट्विस्ट किया था, अब की शुरू के 3 फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। लास्ट के 6 फंदों को हम आपस में ट्विस्ट करेंगे, तो इन 6 फंदों को हम ऐसे गिरा देंगे। आगे के 3 फंदों को हम बाईं सिलाई में ले लेंगे और ये पीछे के 3 फंदों को हम सामने की तरफ से दाहिनी सिलाई में, और इसे वापस खींचेंगे और वापस बाईं सिलाई में चढ़ा देंगे। तो ये पीछे के फंदे सामने की तरफ से आगे आ गए। अब इन 6 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। तो देखिए पहली लाइन में शुरू के 6 फंदों को ट्विस्ट किया, पहला, दूसरा, तीसरा जो है वो सामने की तरफ से ऐसे गया, और तीसरी लाइन में हमने लास्ट के 6 फंदों को ट्विस्ट किया और लास्ट के फंदे जो है वो देखिए ऐसे ऊपर की तरफ से ऐसे आए हैं। एक बार हमारा ऐसे जाएगा और दूसरी बार वो ऐसे आएगा, और बाकी फंदे जैसे हैं वैसे ही हमें एज इट इज बुनना है। उल्टे वाले फंदे को उल्टा, सीधे वाले फंदे को एक लाइन नीचे से सीधा, सीधे वाले फंदे को एक लाइन नीचे से सीधा, उल्टे वाले फंदे को उल्टा। तो इन्हीं 24 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। लास्ट में 3 फंदे आएंगे, तो उन्हें हम उल्टा बुनेंगे, सीधे वाला फंदे को एक लाइन नीचे से सीधा और उल्टा फंदा लास्ट फंदा उल्टा। तो ये हमारा तीसरा लाइन कंप्लीट हो गया। चौथे लाइन को हम दूसरी लाइन की तरह बुन लेंगे, यानी उल्टे फंदे को उल्टा बुनेंगे और सीधे वाले फंदे को एक लाइन नीचे से तब सीधा बुनेंगे। अब ये डिज़ाइन का पांचवा लाइन है और सामने से है। तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे। देखिए अगला फंदा सीधा है, तो इसे एक लाइन नीचे से सीधा बुनेंगे।
अगला फंदा उल्टा है, इसे उल्टा। अब ये हमारा नौ फंदे का केबल आ गया, तो फिर इसे हम पांचवे लाइन को पहले लाइन की तरह बुनेंगे, यानी कि शुरू के छह फंदों में फंदे ट्विस्ट होंगे, एक दो तीन को हम सामने की तरफ से ले जाएंगे, ऐसे ऊपर की तरफ से हम ऐसे ले आएंगे। देखिए ऐसे हमने ऊपर की तरफ से ऐसे ट्विस्ट कर दिया, और फिर इन नौ फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। ट्विस्ट किए छह फंदों को सीधा, और फिर तीन फंदे केबल के, तीन फंदे लास्ट के, वो भी हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारा नौ फंदे का केबल हो गया, और बाकी फंदे एज इट इज बुने जाएंगे, यानी उल्टा फंदा उल्टा और सीधे वाले फंदे को एक लाइन नीचे से सीधा। अब हमारा ये पैटर्न ऐसे ही 12 लाइन तक चलता रहेगा। चेंजेस बस हमारे इस केबल में ही आएंगे, बाकी फंदे एज इट इज चलेंगे, यानी कि उल्टा वाला फंदा उल्टा और सीधा वाला फंदा एक लाइन नीचे से सीधा, सातवां लाइन और सामने से। तो तीन फंदे हमारे ये गैप के एज इट इज बुने जाएंगे, और फिर ये नौ फंदे का केबल है, तो शुरू के तीन फंदे हम सिंपली बुन लेंगे, और अब ये ट्विस्ट जो है लास्ट के छह फंदों में होगा। तो इन छह फंदों को हम गिरा लेंगे, पहले दूसरे तीसरे को हम बाईं सिलाई में लेंगे, और चौथे पांचवें छठे को दाहिनी सिलाई में लेंगे, ऐसे सामने की तरफ से खींचते हुए वापस बाईं सिलाई में इसे चढ़ा देंगे, और इन छह फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। नाइन्थ रो और फ्रंट साइड, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे, अगला फंदा सीधा है उसे एक लाइन नीचे से सीधा बुनेंगे, अगला फंदा उल्टा। अब हमारा नौ फंदे का केबल आ गया, छह फंदों को गिरा दिया, पीछे के छह तीन फंदे हम दाहिनी सिलाई में और आगे के तीन फंदे बाईं सिलाई में लेंगे, और सामने की तरफ से ऐसे, देखिए शुरू के फंदे हम सामने की तरफ से ऐसे लाएंगे। अब इन फंदों को दाहिनी सिलाई वाले फंदों को हम बाईं सिलाई में चढ़ा देंगे, यानी पहले लाइन की तरह। तो पहला लाइन, पांचवा लाइन और नौवा लाइन, ये तीन लाइन एक जैसे बनाए जाएंगे। अब इन छह फंदों को हम सीधा बुन लेंगे, और फिर लास्ट के केबल के तीन फंदे बचे उन्हें भी हम सीधा बुन लेंगे। ये पैटर्न जो है वो ऐसे ही चलेगा, यानी उल्टा फंदा उल्टा और सीधा वाला फंदा एक लाइन नीचे से सीधा। तो आप देख रहे हैं कि इस केबल को छोड़कर जितने भी सीधे फंदे हैं, केबल के फंदे नॉर्मली सीधे बुने जाएंगे, और ये जो दूसरा केबल है इसके फंदे चाहे सामने से हो चाहे पीछे से हो, सभी सीधे फंदे जो हैं वो एक लाइन नीचे से तब सीधा बुनेंगे। उल्टा बुना सीधा वाला फंदा एक लाइन नीचे से सीधा, उल्टा और सीधा वाला फंदा एक लाइन नीचे से सीधा। तो इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। 11वां लाइन और सामने से, पहला फंदा उल्टा, दूसरे फंदे को हम एक लाइन नीचे से आके तब सीधा बुनेंगे, नेक्स्ट फंदा उल्टा। अब ये हमारा नौ फंदे का केबल आ गया, तो शुरू के फंदे हम तीन फंदे सीधा बुन लेंगे, और लास्ट के छह फंदों में हम ट्विस्ट करेंगे। तो देखिए पहले दूसरे तीसरे को हम बाएं सिलाई में ले लेंगे, और चौथे पांचवे छठे को दाहिनी सिलाई में लेंगे, और खींच कर सामने लाएंगे, और वापस इन्हें बाएं सिलाई में चढ़ा देंगे, और इन छह फंदों को हम सीधा बुनेंगे। और बाकी फंदे को एज इट इज बुनेंगे। तो ये हमारा 12 लाइन कंप्लीट हो गया। आपने देखा कि
एक बार हम शुरू के 6 फंदों में ट्विस्ट करा रहे हैं और अगली सीधी लाइन में हम लास्ट के 6 फंदों में ट्विस्ट करा रहे हैं। 3 बार देखिए, ऐसे राइट टू लेफ्ट गया है और 3 बार लेफ्ट टू राइट गया है। फर्स्ट, फिफ्थ और 9th रो एक जैसे हैं और 3rd और 7th और 11th रो एक जैसे बनाए गए हैं और पीछे की तरफ से सभी लाइन दूसरी लाइन की तरफ से ही बुना गया है। ये हमने 12 लाइन कंप्लीट कर लिया। अब ये डिजाइन का 13वां लाइन है, 13th रो ऑफ डिजाइन। अब हम इसमें पैटर्न को चेंज कर देंगे। ये जो केबल है अब यहाँ पे आएगा और ये पैटर्न जो है वो यहाँ पे आएगा, तो इसे हम कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो 13वां लाइन और सामने से पहला फंदा उल्टा है, उसे स्लिप कर लेंगे या उल्टा बुन लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे। अगला फंदा सीधा है, उसे एक लाइन नीचे से सीधा बुनेंगे। अगला फंदा उल्टा है, उसे उल्टा बुनेंगे। अब देखिए, हमारा 9 फंदे का केबल था तो पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे। देखिए, एक लाइन नीचे से सीधा, जैसे हमने इधर बुना था, अब हम यहाँ पे बुनेंगे एक लाइन नीचे से सीधा। अगला फंदा उल्टा, 2, 3 सीधा, 4th उल्टा, 5वां सीधा, एक लाइन नीचे से सीधा, 6th उल्टा, 7वां एक लाइन नीचे से सीधा, 8वां उल्टा और ये देखिए 9वां फंदा, इसे एक लाइन नीचे से सीधा बनाओ। तो हमने डिज़ाइन को यहाँ पे अब ट्रांसफ़र कर दिया। अगला फंदा देखिए, ये 3 फंदे का गैप है तो इसे एज इट इज़ बुनेंगे, यानी पहला फंदा उल्टा, दूसरा फंदा एक लाइन नीचे से सीधा और 3रा फंदा उल्टा। अब इन 9 फंदों को, अब इन 9 फंदों पे हमें केबल बनाना है। तो देखिए, 6 फंदे हम गिरा देंगे और इसे 4th, 5th और 6th को हम दाहिनी सिलाई में ले लेंगे और पहले, दूसरे, तीसरे को बाएं सिलाई में ले लेंगे और इसे सामने की तरफ से ऐसे लाएंगे और दाहिनी सिलाई वाला फंदा वापस बाएं सिलाई पे चढ़ा देंगे। अब इन 6 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे और अगले 3 फंदे भी हम सीधा बुनेंगे। तो ये हमारा 9 फंदे का केबल हो गया और लास्ट के 3 फंदे बचेंगे जिन्हें हम उल्टा बुनेंगे, फिर सीधा वाला फंदा एक लाइन नीचे से सीधा और उल्टा फंदा उल्टा। तो ये हमारा 13वां लाइन कंप्लीट हो गया और डिज़ाइन आपस में शिफ्ट हो गया। अब ये हमारा 14वां लाइन है तो देखिए, सीधा वाला फंदा ये, इसे हम स्लिप कर लेंगे, उन अपनी ओर करेंगे। अगला फंदा उल्टा है, इसे उल्टा बुनेंगे। नेक्स्ट फंदा सीधा है, उसे एक लाइन नीचे से सीधा बुनेंगे। अब ये हमारा 9 फंदे का केबल है। तो ये देखिए, पीछे से सभी फंदे उल्टे दिखाई दे रहे हैं, इसे हम उल्टा बुनेंगे। तो ये हमने 9 फंदे का केबल, इसे उल्टा बुन लिया। अब देखिए, ये सीधा वाला फंदा है, ये फंदा सीधा है, 3 फंदे का गैप, तो इसे एक लाइन नीचे से सीधा, उल्टा फंदा उल्टा, सीधा वाला फंदा एक लाइन नीचे से सीधा। अब ये जो केबल था, इस पे हमने सीधा और एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा बुना है, जो देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है। पहला फंदा उल्टा है, इसे उल्टा बुनेंगे, सीधे वाले फंदे को एक लाइन नीचे से सीधा। जितने भी सीधे फंदे हैं, चाहे सामने से चाहे पीछे से, केबल वाले फंदे को छोड़ के उन्हें हमें एक लाइन नीचे से सीधा बुनना है और केबल वाले फंदे को नॉर्मली सीधा बुनना है। 15वां लाइन और सामने से पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे। अगला फंदा सीधा है, उसे एक लाइन नीचे से सीधा। नेक्स्ट फंदा देखिए उल्टा है, इसे उल्टा बुनेंगे और ये देखिए सीधा फंदा, इसे एक लाइन नीचे से सीधा। यानी ये 9 फंदे का पैटर्न है, इसे हम एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, सीधा वाला फंदा एक लाइन नीचे से सीधा। ये जो पैटर्न है वो यहाँ पे आके शिफ्ट हो गया है और ये 3 फंदे का गैप, एक उल्टा, सीधा वाला फंदा एक लाइन नीचे से सीधा, फिर उल्टा। अब ये हमारा 9 फंदे का केबल आ गया। तो पहला, दूसरा, तीसरा फंदा हम सीधा बुन लेंगे। अब इन 6 फंदों में हमें
इन 6 फंदों को हमें आपस में ट्विस्ट करना है, तो इन्हें हम ऐसे गिरा देंगे। पहले दूसरे तीसरे को बाएं सिलाई में लेंगे, चौथे पांचवे छठे को दाहिनी सिलाई में लेंगे और आगे से ऐसे ला के वापस बाएं सिलाई में चढ़ा देंगे। तो हमारे पीछे के फंदे देखिए सामने की तरफ से आगे आ गए, इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। लास्ट के 3 फंदे, एक उल्टा, एक सीधा और उल्टा, और 16वां लाइन 14वें लाइन की तरह ही बनेगा। 17वां लाइन और सामने से। अब इस पैटर्न को हम जैसे दिखाई दे रहा है वैसे ही बुन लेंगे। सीधा वाला फंदा एक लाइन नीचे से सीधा, उल्टा फंदा उल्टा। तो सीधा उल्टा बुनते हुए हम केबल के पास आ गए हैं। अब हम शुरू के 6 फंदों में ट्विस्ट करेंगे, तो इन 6 फंदों को हम गिरा देंगे। पीछे के 3 फंदों को हम दाहिनी सिलाई में लेंगे, आगे के 3 फंदों को हम बाएं सिलाई में लेंगे और ऐसे सामने की तरफ से हम लाएंगे। दाहिनी सिलाई के फंदों को वापस बाएं सिलाई में चढ़ा देंगे और इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। और फिर 3 फंदे सीधा, लास्ट के 3 फंदे एक उल्टा, एक सीधा, सीधा फंदा एक लाइन नीचे से सीधा, फिर उल्टा। 19वीं लाइन और सामने से। और हम केबल के पास आ गए हैं, तो शुरू के 3 फंदे हम सीधा बुन लेंगे और लास्ट के 6 फंदों में हम ट्विस्ट करेंगे, तो इन 6 फंदों को गिरा लेंगे। पहले दूसरे तीसरे को बाएं सिलाई में, चौथे पांचवें छठे को दाहिनी सिलाई में लेंगे और सामने की तरफ से ऐसे लाकर वापस बाएं सिलाई में चढ़ा देंगे। इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। 3 फंदे उल्टा सीधा उल्टा। 21वीं लाइन और सामने से। जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं हमें उन्हें वैसे ही बुनना है। उल्टे फंदे को उल्टा, सीधे वाले फंदे को एक लाइन नीचे से सीधा और हम केबल के पास पहुंचेंगे। अब ये हमारा 9 फंदे का केबल है, तो शुरू के हम 6 फंदे गिरा देंगे। पीछे के 3 फंदों को हम दाहिनी सिलाई में और सामने के पहले 3 फंदों को हम बाएं सिलाई में लेंगे और ऐसे सामने की तरफ से लाएंगे। दाहिनी सिलाई के फंदों को वापस बाएं सिलाई में चढ़ा देंगे और इन 9 फंदों को सीधा बुन लेंगे। 23वीं लाइन और सामने से। और हम केबल के पास पहुंच गए हैं, तो शुरू के 3 फंदे हम सीधा बुन लेंगे और लास्ट के 6 फंदों में ट्विस्ट करेंगे, तो इन्हें हम गिरा देंगे। पहले दूसरे तीसरे को बाएं सिलाई में ले लेंगे और चौथे पांचवें छठे को दाहिनी सिलाई में लेंगे और ऐसे खींच के वापस बाएं सिलाई में हम फंदे चढ़ा देंगे और इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। और 24वीं लाइन 14वीं लाइन की तरह बनाई जाएगी। तो 24 लाइन में ये डिज़ाइन कंप्लीट होता है। तो आपने देखा कि जितने भी सीधे फंदे हैं, केबल के फंदों को छोड़कर जितने भी सीधे फंदे हैं, उन्हें हमें एक लाइन नीचे से बुनना है, चाहे सामने से हो या फिर पीछे से हो, और उल्टे फंदे को नॉर्मली उल्टा बुनना है। केबल में एक बार शुरू के 6 फंदों को ट्विस्ट किया जा रहा है, फिर लास्ट में बाद के 6 फंदों को आपस में ट्विस्ट किया जा रहा है। 3 बार देखिए ये राइट टू लेफ्ट गया है और 3 बार लेफ्ट टू राइट आया है। 13वां फंदा, 13वां लाइन, 17वां लाइन और 21वीं लाइन एक जैसे, और 15वां लाइन, 19वां लाइन और 23वां लाइन एक जैसे बनाया जा रहा है। इसमें देखिए लेफ्ट टू राइट ट्विस्ट किया गया है। तो 24 लाइन का ये पैटर्न है और 24 लाइन में डिज़ाइन कंप्लीट होता है। अब ये जो केबल है वो यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाएगा। तो 24 लाइन को, इन 24 लाइन को हम ऊपर ऊपर दोहराते जाएंगे। एक बार,
केबल के ऊपर पैटर्न बनेगा, दूसरी बार पैटर्न के ऊपर, नेक्स्ट टाइम में फिर पैटर्न के ऊपर केबल और केबल के ऊपर पैटर्न, इस तरह ये डिज़ाइन बनता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।